हालोपा के कानावाली प्रतिनिधि और निर्मल सोच चैरिटेबल ट्रस्ट के संयोजक निर्मल सिंह मलड़ी के जजप्पा में शामिल होने से हालोपा को बड़ा झटका लगा है। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की उपस्थिति में गांव मलड़ी में आयोजित एक कार्यक्रम में निर्मल सिंह मलड़ी को जजप्पा में शामिल करते हुए अजय सिंह चौटाला मलड़ी को कालावाली से विधानसभा टिकट पर चुनाव लड़वाने का भी इशारा कर गए। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में प्रदेश में बड़ा बदलाव होने जा रहा है और दुष्यंत चौटाला की टीम में निर्मल सिंह मलड़ी जैसे युवा चेहरे चंडीगढ़ जाएंगे। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में प्रदेश के हालात बहुत खराब हो चुके हैं। गरीब जनता को झूठे जुमलों से गुमराह करके सत्ता हासिल की गई है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि निर्मल सिंह मलड़ी के पार्टी में शामिल होने से जजप्पा को बहुत फायदा होगा। उन्होंने जींद उपचुनाव को लेकर कहा कि ये सेमीफाइनल है और सेमीफाइनल में बाजी मारने वाले ही गोल्ड मेडल हासिल करते हैं। वहीं इनेलो पर निशाना साधते हुए कहा कि मीडिया सर्वे में इनेलो की 3% वोट दिखाई गई हैं, लेकिन जब वोटिंग होगी शायद वो भी ना मिले। कांग्रेस द्वारा जींद उपचुनाव में रणदीप सुरजेवाला को मैदान में उतारे जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि सुरजेवाला राहुल गांधी की टीम का हिस्सा होने के चलते बड़ा चेहरा जरूर है, लेकिन जनता किसी चाहती है ये तो मौका ही बताएगा। कालावाली से चानन सिंह गुर्जर की रिपोर्ट। ये तो नौजवान है, एनर्जेटिक है और निरंतर आपके बीच में लगा रहता है। बाकी एक एक आदमी का जुड़ने से भी फायदा होता है। इनके पास तो पूरी एक संगठित टीम है जो पूरे कालावाली विधानसभा क्षेत्र में अपना प्रतिनिधित्व करती है। चौटाला जी, दो दिन पहले भी कालावाली खड़का के विधायक प्रकोर जी ने आपके साथ ज्वाइन किया था, लेकिन उन्होंने कल यू टर्न कर लिया है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? यू टर्न नहीं किया उन्होंने, उनके सामने मेंबरशिप की बात का कंफ्यूजन था। वो मेरी कल भी उनसे बात हुई है और आज भी वो जींद में है। वो जिस तरीके से इनेलो के 3 विधायक नैना चौटाला, अनूप धानक और हमारे राजदीप फोगाट जिस तरीके से जेजेपी के साथ है, उसी तरह वो भी जेजेपी के साथ है। तो वो तो स्पष्ट मना कर रहे हैं कि बता रहा हूँ ना, उनकी मेंबरशिप का उनको डाउट था भाई मेरी मेंबरशिप जा सकती है, जबकि वो उन पे कोई एक्शन नहीं हो सकता। जींद में दिग्विजय सिंह चौटाला जी उम्मीदवार उतरे हैं, वहाँ पे क्या लग रहा है? वहाँ तो सीधी सीधी सरकार की और हमारी लड़ाई है। कांग्रेस ने एक बड़ा चेहरा वहाँ रणदीप सुरजेवाला अपना उतारा है और सभी कह रहे हैं कि एक बड़ा चेहरा है रणदीप सुरजेवाला, कहीं ना कहीं टक्कर देने का काम। बड़ा चेहरा तो निश्चित तौर पे है ही जब राहुल गांधी की टीम में है वो, पर लोगों में कितना खरा उतर पाएंगे वो तो जींद की जनता बताएगी। आज से पहले चर्चाएं थी कि सिंह चौटाला के मैदान मुकाबले में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आज जो देखा जा रहा है अर्जुन सिंह को साइड पे करके उन्होंने जो रेडू को टिकट दिया, रेडू को टिकट देने की बात सामने आ रही है, इससे क्या लग रहा है कि अब INRD जजपी से घबराई हुई है जी? आपके टीवी चैनल्स के सर्वे पे भी आ रहा है ये तो कि वो सिर्फ 3% वोट हासिल कर रहे हैं, और वो तो वो जो जब 3 दिन पहले का सर्वे था तब था, जब वोट डलेंगे तो मेरे ख्याल वो 3% भी नहीं बचेंगे। कहने का मतलब अलविदा है जी, और मैं अजय चौटाला जी की आज मौजूदगी दे विच JJP ज्वाइन की है, और मैं समझदा कि किते ना किते युवा टीम दे नाल, युवा जोश, युवा दुष्यंत जी दे नाल चलन का फैसला लिता, और असी JJP दे नाल है, तनो मनो तनो सारो जो भी है, अज मैं JJP नू विश्वास जिताया गा, और मैं समझदा भी मैनू बहुत बड़ा इस गल का मान है कि अजय जी मेरे घर आए ने, और असी मैं बखूबी लगावगा जितों तक। सिरसा जिला में गोपाल कांडा जी, देखो जी आज दुष्यंत जी है जो युवा है, युवा को पूरा हरियाणा यही चाहता है कि युवा आगे आए। मैं युवा होने के नाते दुष्यंत जी का साथ दिया, क्योंकि हम युवा साथ देंगे तो ही युवा आगे बढ़ेगा और हरियाणा आगे बढ़ेगा, तभी तो, नहीं तो सभी घिसे पिटे चेहरे और घिसे पिटे रह गए हैं। अब क्या है जी, सभी चले हुए कारतूस है, कुछ नहीं है नया कुछ करने। बड़ी बात है कि हालोपा के उम्मीदवार थे, अगर दूसरे नंबर की बात करें सभी उम्मीदवारों, गोपाल कांडा के बाद आपने सबसे ज्यादा जो वोट है वो ली थी, तो क्या कालावाली हल्का से आप JJP के उम्मीदवार उतर सकते हैं? नहीं।